जीके इन शॉर्ट पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो एंड वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं जीके इन शॉर्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं WWE का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। साथ ही आप हमारे जीके के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। WWE का फुल फॉर्म वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है। यह एक अमेरिकन मीडिया और मनोरंजन कंपनी है। इस कंपनी का पूरा नाम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट INC है। यह कंपनी फिल्म, फुटबॉल समेत कई अन्य व्यापार करती है, लेकिन इसका सबसे प्रमुख व्यापार प्रोफेशनल बॉक्सिंग है। WWE की पहचान ही बड़े स्तर पर खेले जाने वाले बॉक्सिंग से है। वर्तमान समय में WWE का मुख्यालय स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट अमेरिका में है। WWE का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसका गठन काफ़ी पहले हुआ था, लेकिन अलग अलग समय में इस कंपनी का नाम भी अलग अलग रहा है। सबसे पहले इसकी स्थापना 7 जनवरी 1952 को कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन नाम से हुई थी। इसके बाद 21 फरवरी 1980 से 1998 तक इसका नाम टाइटन स्पोर्ट्स INC हो गया। इसके बाद 1998 से 1999 तक के लिए इसका नाम वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन INC हो गया। कुछ ही समय बाद इसका नाम फिर से बदलते हुए वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन एंटरटेनमेंट INC कर दिया गया। यह 1999 से 2002 तक इसी नाम से जाना जाता रहा। अंततः इसका नाम WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट हो गया। WWE वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। इसका आयोजन विश्व भर में किया जाता है। इसके औसतन 500 मैच साल भर में विभिन्न देशों में आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा इसे लगभग 36 मिलियन लोग विश्व के 150 देशों में देखते हैं। इस लिहाज से यह विश्व के सफलतम आयोजनों में से एक है। वर्तमान समय में WWE के मालिक यानी चेयरमैन तथा CEO अमेरिका के विंस McMahon हैं। इनके पास कंपनी का 42% हिस्सा है। इस कंपनी की आमदनी भी काफ़ी अधिक है। 2018 में WWE का कुल रिवेन्यू 930.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक रहा था। WWE का मुख्यालय अमेरिका में है, लेकिन इसके अलावा इसके कई अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कि संबंधित देशों में WWE के आयोजनों को संभालते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया WWE का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर ये नॉलेज आपको अलग लगा हो और यूनिक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।